सुंदरी नगर के पास थोड़ा सा दूर पर एक गांव था, शमशान नगर। शमशान नगर के आसपास कोई नहीं रहा करता था। एक दिन वहां से टुनटुनी गुजर रही थी। टुनटुनी को एक बाबा जी प्रसाद खिला देते हैं, ये बोल करके, अरे बेटा ये प्रसाद खा लो, प्रसाद को कभी ना नहीं बोलते हैं, मेरे बेटे की नौकरी पक्की हो गई है इसलिए मैं तुम्हें प्रसाद खिला रहा हूँ, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे मुंह देख के तो मुझे लग रहे हैं कि तुम्हें भूख भी लगे थे, तो अब ये प्रसाद तुमने खा ही लिए हैं तो पानी भी पी लेना। और तुम तो थोड़ी बूढ़ी हो गई हो तो तुम्हें ऐसे धूप में नहीं निकलने चाहिए थे। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम अब मुझे माफ़ कर सको तो माफ़ कर देना। टुनटुनी सोचती रह जाती है कि ये बाबा जी मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने मुझसे, बाबा जी कोई कारण तो नहीं बताते, बस वो उससे माफ़ी की गुहार करते और ये कहते रहते कि मेरी मजबूरी थी। इतना कह के बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी का सर घूमने लगता है, उसे लगता है कि शायद वो भूखी है इसलिए उसका सर चकरा रहा है। वो पास के एक ढाबे के पास जा रुकती है। ढाबे के पास जाके वो देखती है कि वहाँ के रानो चिड़िया समोसे टल रही थी, तभी उसे भूख लगा रहता है और वो सोचती है कि उसका सर भूख के वजह से चकरा रहा है। वो रानो चिड़िया को आवाज़ लगाती है, अरे रानो बहन मुझे दो समोसे निकाल देना, मुझे खाना है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है और चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। रानो कहती है, हाँ ज़रूर, आप बस तुरंत यहाँ आकर बैठो, मेरे समोसे अब पक ही चुके हैं। रानो उसके लिए समोसे जल्दी जल्दी तलने लगती है क्योंकि टुनटुनी उसे बताती है कि उसे बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में रानो अपने कुछ ग्राहक को समोसा खिलाती और टुनटुनी को भी देती। टुनटुनी को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो समोसा खाती है फिर भी उसे चक्कर आता है, अपने गाँव की ओर वो निकल पड़ती है। गांव जाते जाते उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से सर में दर्द हो जाता, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। टुनटुनी उससे अपनी हालत के बारे में बताती है, वो कहती है कि उसे सुबह में एक बाबा जी प्रसाद दे गए, उस टाइम से उसका सर बहुत तेज चकरा रहा और उसके आँख के सामने धुंधला धुंधला दिख रहा है, उसे कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। गाँव वाले उससे पूछते हैं कि तुमने खाने में क्या खाया टुनटुनी, वो उन्हें बताती है कि मैंने तो बस समोसा ही खाया था। सारे गांव वाले उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते, अरे तुम खाली पेट समोसा खा के आ गई हो इसलिए तुम्हारा सर चकरा रहा है। तभी टुनटुनी अजीब अजीब सा आवाज़ निकालने लगती और अपनी आंखें जोर जोर से घुमाने लगती है। गाँव वाले घबरा जाते हैं कि टुनटुनी को क्या हो गया, तब उन्हें शक हो जाता है कि टुनटुनी बिल्कुल भी अंदर से अच्छी नहीं है, हमें इसे कोई डॉक्टर के पास नहीं किसी पंडित के पास दिखाना चाहिए जो कि इसकी ये बीमारी दूर कर सके। गांव वाले उससे कहते हैं कि टुनटुनी तुम थक चुकी हो, जाओ तुम घर में आराम कर लो। वो टुनटुनी को भनकने लगने देते कि टुनटुनी पर कोई काली साया है। टुनटुनी के पास तीन चार परछाइयाँ मंडराते रहती है, सारे गांव वाले वो सब देख चुके थे इसलिए टुनटुनी को घर में भेज के वो लोग तुरंत वहाँ से आश्रम की ओर निकल जाते हैं। आश्रम पे जाते हैं तो बाबा जी ध्यान में रहते हैं, पर उनके चेला उनसे आके बातें करते हैं। चेला से वो लोग सारी घटना के बारे में बताते हैं। बाबा जी के चेला बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं देखता हूँ बाबा जी तुरंत ध्यान से उठेंगे, मैं उन्हें ये बात बता दूंगा। ऐसी बात है अगर कि एक टुन्नी चिड़िया पे इतने सारे आत्माओं का साया है तो फिर तो बहुत घबराने वाली बात है, तब तो भयंकर तूफान आ जाएगा, तुम सारे गांव वालों के जान खतरे में हो जाएंगी। तुम लोग जाओ अपने अपने बच्चों का
थोड़ा ध्यान दो, मैं बाबा जी को ये सारी बातें बता देता हूँ, बाबा जी ये सारी हल कर देंगे समस्या की। वो लोग बोलते हैं कि पर हमें बाबा जी से एक बार मिला देते, तभी वो कहते हैं कि बाबा जी को अभी परेशान मत करो, तुम लोग चुपचाप अपने बच्चों के ध्यान दो। गाँव वाले सारे अपने बच्चों के पास चले जाते हैं, बाबा जी सुंदर वन जंगल के पास जाते हैं और टुनटुनी को अपनी जादुई शक्ति से वहाँ बुला लेते हैं और कहते हैं कि देखो तुम अपने असली रूप में आ जाओ कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि तुम साधारण टुनटुनी चिड़िया नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई और बसा हुआ है। टुनटुनी देखते ही देखते आँखें बड़ी बड़ी करके बहुत ही खतरनाक सा रूप धारण कर लेती है, उसके अंदर दो तीन आत्मा रहती है, कुछ आत्माएं तो दिखाई देती हैं पर कुछ नहीं दिखाई देती। बाबा जी को वो बहुत बस में कोशिश करने की करती हैं पर बाबा जी उस आत्माओं के बस में नहीं होते हैं, बाबा जी अपनी जादुई शक्ति से उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर उन भूत और बाबा जी के बीच जंग चलती है, बाबा जी भी हार नहीं मानते। तभी टुनटुनी के अंदर की चुड़ैल बाबा जी को मारने के लिए बड़ी हथियार लेके आती है, अपनी जादुई शक्ति से तो वो उन्हें नष्ट कर देते पर बाबा जी हमेशा हमेशा के लिए उसी नदी में समाधि ले लेते, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी आत्मा घुस चुकी थी। अब वो बाबा जी उस नदी से नहीं निकल सकते। गाँव वाले आके बाबा जी का लाख लाख धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी अगर आज आप नहीं होते तो हमारा गांव बिल्कुल भी नष्ट हो जाता, आपके हम लोग कितना भी धन्यवाद करें कम है। बाबा जी उनसे कहते हैं कि तुम लोग जाओ और खुशी खुशी अपने ज़िंदगी जियो, हमारा तो यही काम है, वीडियो लाइक कर दें।